उदयपुर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयनित लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। वहीं उक्त कार्यक्रम का ग्राम पंचायत स्तर पर सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सके। वहीं जिला नोडल अधिकारी एवं सीईओ जिला परिषद कीर्ति राठौर ने बताया कि जिला कलेक्टर अरविंद पोस्टवाल के निर्देश में उक्त कार्यक्रम का जिले भर में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए सभी विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम के प्रसारण के लिए एक बड़ा टीवी सेट लगवाने, कार्यक्रम से अधिक आमजन को शामिल करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन का कार्यक्रम निर्धारित है, वहां वाहन में लगे टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम का प्रसारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं सप्तम अंतर जिला सिविल सेवा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उदयपुर जिले की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। साथ ही विजेता दल के उदयपुर लौटने पर विजेता ट्रॉफी जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, एडीएम सीडी राजीव द्विवेदी व पंजीयन एवं मुद्रा विभाग के उप महानिरीक्षक जितेंद्र ओझा को सुपुर्द की। जिला कलेक्टर कार्यालय के खेल प्रभारी सुरेंद्र सिंह चुड़ावत ने बताया कि 23 से 25 दिसंबर तक बांसवाड़ा में आयोजित इस प्रतियोगिता में टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उदयपुर जिले की इस टीम में बलवंत चौधरी कप्तान, नरेश पालीवाल, रोशन डांगी, जितेंद्र चौबीसिया, शशांक जोशी, संजय भट्ट, संजय वैष्णव की अहम भूमिका रही। वहीं जिला स्तरीय आरसीटी सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ति राठौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। साथ ही राठौर ने प्रशिक्षण कार्यों में नवाचारों के साथ तकनीकी पहलुओं को शामिल करते हुए इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने की बात कही। उन्होंने सलुम्बर में पतल दोनों यूनिट स्थापित करने वाले प्रशिक्षार्थी की सफलता से प्रेरित होकर जिले के प्रत्येक ब्लॉक में ऐसी यूनिट स्थापित करने का सुझाव दिया। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के अधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए पात्र लोग तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कपड़े के बैग तैयार कर उनके विपणन की संभावना तलाश करने की भी जरूरत बताई। उन्होंने स्कूलों में सोलर सिस्टम स्थापित करने से पूर्व शिक्षा विभाग से सूची प्राप्त कर समक्ष स्तर से अनुमोदित करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाए, जिसमें अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों और प्रशिक्षणों के उपरांत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए ताकि युवा स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ सके। उन्होंने प्रशिक्षकों को विभिन्न ऋण सुविधाओं की जानकारी देने एवं पात्रता अनुसार ऋण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। वहीं पूर्व बैठक में हुई चर्चा के आधार पर उदयपुर संभाग में रोजगार बहुल मार्बल प्रोसेसिंग, कटिंग आदि क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रारंभ में आरसीटी के संयुक्त निर्देशक अमर दीक्षित ने संस्था की अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी दी। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान रखने वाली लोक सिटी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। वहीं उदयपुर में देश विदेश से आए पर्यटक यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों का लुफ्त उठा रहे हैं। शीतकालीन अवकाश एवं उदयपुर में पर्यटक सीजन के चलते पिछले 4 दिनों में उदयपुर के सज्जनगढ़ स्थित मानसून पैलेस व जैविक उद्यान सज्जनगढ़ में पर्यटकों का बूम रहा। पिछले 4 दिनों में 21,017 पर्यटकों ने यहां भ्रमण किया, जिससे यहां 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 29,04,320 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं वन विभाग के उप वन संरक्षण ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिसंबर माह में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को वन विभाग के अभ्यारण्य सज्जनगढ़ में स्थित मानसून पैलेस का सौंदर्य लुभा रहा है। इस वर्ष मानसून पैलेस सज्जनगढ़ एवं जैविक उद्यान सज्जनगढ़ में आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा माह अक्टूबर में संभाग की प्रथम पर्यटक रेंज की स्थापना सज्जनगढ़ मेन गेट पर की गई है और सज्जनगढ़ मेन गेट पर वाहनों का
जाम न लगने और पर्यटकों को सुलभ टिकट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पार्किंग एरिया में ही मानसून पैलेस सज्जनगढ़ और जैविक उद्यान सज्जनगढ़ के लिए दो दो टिकट विंडो स्थापित की गई है।